बरेली में एक साल पहले सगी बहनों के अपहरण के मामले में पुलिस अब नार्को टेस्ट का सहारा लेगी। सबूत छिपाने के संदेह में पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के पिता का नार्को टेस्ट करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया। आप बता दें कि नवंबर 2015 में हाफिजगंज में दोनों पीड़ित बच्चियां अपने चाची के साथ सत्संग गई थी और वहीं से दोनों अचानक लापता हुई। मामले में अब तक 200 से अधिक गवाहों की गवाही हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक दोनों बच्चियों का पता नहीं लगा पाई। ये मामला थाना हाफिजगंज का है। वहाँ पे एक गांव है काशी धर्मपुर, वहाँ के हिम्मत सिंह यादव ने अपनी दो पुत्रियों के गायब हो जाने की FIR लिखवाई है। 472/15 है, 363 IPC के अंतर्गत लिखी गई है। तो उनका ये कहना है कि उनकी चाची, लड़कियों की चाची, उनको एक सत्संग में लेके गई थी। संभवतः किसी क्रिश्चियन मिशनरी का सत्संग होता है, उसमें लेके गए थे। उसके बाद से लड़कियाँ लौट के आज तक नहीं आई हैं। तो ये घटना में STF के लोग भी लगाए गए हैं, सर्विलांस वगैरह का प्रयोग भी किया गया था, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पैम्फलेट सर्कुलेट किए गए, यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स उनकी लेकर के स्थानीय सिनेमा हॉलों में दिखाया जा रहा है, ताकि कोई अगर देख सके तो क्लू हमें मिल सके इस पर। और इसका माननीय उच्च न्यायालय में भी संज्ञान लिया गया। उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि CO लेवल के अधिकारी से भी जाँच कराई जाए, तो CO नवाबगंज इसकी निर्देशना भी कर रही हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार SHO विवेचक का ये गैस है कि शायद फादर ही कुछ गलत बता रहा है या उसके पास कुछ छिपा रहा है कुछ फैक्ट्स को, तो नार्को एनालिसिस के लिए भी यहाँ रुकते